निगरान की तरफ से मिलने वाले कामों पर बाजूका होता है, क्या ये क्या काम है, ये कौन सा वक्त, अभी मेरे जाने का वक्त है और ये अभी इन्होंने काम दे दिया जो जाने से पहले नहीं हुआ और शायद मैं लेट हो जाता, बर्दाश्त करें और अमलन साबित करें कि मुझे दावत इस्लामी से आया, जॉब से नहीं दावत इस्लामी से आया। जॉब करना गलत नहीं, सही, शरण दुरुस्त पे मुआहदा हुआ है, बाकायदा इजारा हुआ है कि भी टाइम होगा ये होगा। मक्तबतुल मदीना की एक शॉप पर कोई साहब आए कोई चीज लेने के लिए, अब वो पता नहीं कहाँ से आए, बड़े शहर की मिसाल है, जब मकतबे पर पहुंचे तो उसकी क्लोजिंग का टाइम हो गया, उन्होंने कहा कि वो फलाई भाई फलां किताब चाहता, किताब में जो चीज मेरा टाइम अरे वहां से लागे देने में क्या मसला हो गया भाई, हर रोज टाइम पर आते हो, सारे काम सही करते हो, नहीं करते ना, इंसान है ना, जो दावा करता है वो गलत करता है, झूठ बोलता है, इंसान ही कोताही होती, हमारा निगरान ढकता भी तो है, हमारा निगरान शफकत भी करता है, और अच्छा ना भी करें सवाब के लिए अगर करें क्या है, अगर किसी का एग्जाम बने कि मैं आधा घंटा एक घंटा मजीद वक्त दे के जा रहा क्या है, सवाब का काम नहीं है, सवाब का काम। और बाज ऐसे मिलेंगे भी, मेरा अंदाजा वो मिलेंगे, कहते हैं यार ये तो इजारे का टाइम था ना हो गया, अब मैं सवाब के लिए टाइम दूंगा, हाँ उसमें भी अच्छी नीयत है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे सवाब मिलेगा, मेरा मौला बहुत करीम, लेकिन वो खालिस इस तरह तरकीब करते हैं। अच्छा खौफे खुदा का तकाजा क्या है, 8 घंटे में ऑन ड्यूटी था, 8 घंटे अलर्ट था, 8 घंटे मुतवज्जे था, बीच में जाती कॉल्स कितनी अटेंड की, कितने व्हाट्सएप चेक किए और कितने वो पता नहीं गेम भी खेले, अल्लाह जाने भाई, कम होगा ऐसा लेकिन इम्कान है। या और ऐसे जो मेरी ड्यूटी से हटकर काम है वो कितने की, अगर 2-4-5 मिनट लेट हो जाओ क्या है जी, रोज तो ऐसा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए,